بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي viewers welcome to study hub in today's video lecture I will discuss with you about policy rate after completion of this lecture your learning outcomes will be policy rate that what is policy rate what is the interest rate what is the difference between policy rate and interest rate What impact does the policy rate have on our borrowing and depositing rates? What is the impact of a change in the policy rate on us and the economy and monetary policy as well? Viewers, एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी रेट को और पॉलिसी रेट और इंटरेस्ट रेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके साथ साथ जो इसका इम्पैक्ट है पॉलिसी रेट का बॉरोइंग और डिपॉजिटिंग के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ इसका कॉमन पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कंट्री के जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है पॉलिसी रेट का इसको डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखेंगे देन हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी के तनाजर में पॉलिसी रेट को डिस्कस करेंगे सो व्यूअर्स आज के लेक्चर को थरोली देखने और सुनने के बाद आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होंगी पॉलिसी रेट को आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे सो व्यूअर्स बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अवर फ्यूचर वीडियोस एज वेल सो व्यूअर्स विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज पॉलिसी रेट सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी रेट The policy rate is the interest rate used by the central bank as an instrument of monetary policy. It is usually the rate at which the central bank is willing to lend money to commercial banks. Through it, the central bank influences short-term interest rates and the money supply in the economy. Viewers, after reading the definition of policy rate, we can understand that the policy rate is the interest rate used by the central bank as an instrument of monetary policy ke jo policy rate hai is the interest rate jo hai jo use kiya jata hai central bank ki taraf se as an instrument of monetary policy yahan par central bank bhi usme aapko sath discuss karta chalu ki central bank kisi bhi country ka jo hai ek regulatory authority hoti hai banking ko control karne ke liye tamam jo bhi commercial bank hote hain unko jo ek body control karti hai which is central bank aur central bank jo hai किसी भी कंट्री का जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है लाइक इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करता है और इशू करता है द पॉलिसी रेट इज द इंटरेस्ट रेट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इट इज यूजुअली द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक इज विलिंग टू लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स और ये जो रेट है व्यूअर्स पॉलिसी रेट इस रेट के जरिए से जो सेंट्रल बैंक है विलिंग टू लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स जो कि इसी रेट के ऊपर जो है अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को जो है मनी लेंड करता है थ्रू इट द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी और इसी के जरिए सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लुएंस करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को और मनी सप्लाई इन द इकॉनमी में सो व्यूअर्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट पॉलिसी रेट इज द रेट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी रेट एक रेट है जो कि यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और जो सेंट्रल बैंक जब डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स को जो है मनी या पैसा लेंड करता है तो उस वक्त जो है इस रेट का वो यूज करता है थ्रू द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी और जो है इसके जरिए से इन्फ्लुएंस करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को और मनी सप्लाई इन द इकॉनमी को नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हमारे पास पॉलिसी रेट की इसको डिस्कस कर लेते हैं The policy interest rate is set by the central bank and it is the most important rate since it influences all other interest rates in the economy. The policy interest rate is the rate at which the central bank will pay or charge commercial banks for their deposits or loans. This rate will consequently affect the interest rates that commercial banks apply their customers, both borrowers and depositors. We can understand that the policy rate is the rate at which the central bank will pay or charge commercial banks for their deposits or loans. Policy rate वो रेट है इंटरेस्ट रेट है कि जब सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री का पे करता है या चार्ज करता है जिस रेट के ऊपर डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स से आइदर के उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं या उनके लोन्स के ऊपर उसने चार्ज करना होता है
This rate will consequently affect the interest rate that commercial banks apply with their customers. और ये रेट जो है consequently affect करता है interest rate को, जो कि commercial banks जो different अपने customers के साथ पे apply कर रहे होते हैं, both borrowers and depositors पे, कि अपने जो loan दे रहे होते हैं different customers को उसके ऊपर भी apply करते हैं, और customers जो deposit करवा रहे होते हैं अपनी cash banks में उसके ऊपर भी ये rate जो है affect करता है. Next words हम देखते हैं कि हमारे पास जो है what is the interest rate. अब interest अभी हमने discuss किया कि policy rate क्या है, central bank का policy rate क्या होता है. Now हम discuss करते हैं कि interest rate क्या है. The interest rate is the amount that borrowers must pay for their loans or the amount that depositors received for their deposits. Viewers, interest rate जो है, जो commercial banks में ये term use होती है कि जब different commercial banks जो है money lend करते हैं या मनी रिसीव डिपॉजिट रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, और इसको जो है इस अमाउंट के ऊपर जो बारबर्स मस्ट पे करते हैं लोन्स के ऊपर, और अमाउंट दैट डिपॉजिटर्स रिसीव, और डिपॉजिटर्स जो होते हैं अपनी कैश के ऊपर वो रेट रिसीव करते हैं, तो वो जो होता है इंटरेस्ट रेट. ये कमर्शियल बैंक्स में जो है टर्मिनोलॉजी यूज होती है. द इंटरेस्ट रेट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल ओवर वन ईयर पीरियड. For example, if we deposit rupees 100 in the bank and earn 1% interest rate, our money will be worth rupees 101 after 1 year. Viewers, यहाँ पर एक example है interest rates की, कि अगर हम इसको example के तौर पर समझने चाहें, यहाँ पर अगर हम 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर 1% जो है इंटरेस्ट रेट है, तो हमारी वही मनी जो होगी वो आफ्टर 1 year इट वुड बी 101 rupees. सो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट व्यूअर्स. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, व्हाट इम्पैक्ट डज द पॉलिसी रेट हैव ऑन आवर बॉरोइंग एंड डिपॉजिटिंग रेट्स. कि जो इसका इम्पैक्ट है पॉलिसी रेट्स का, वो क्या इम्पैक्ट होता है बॉरोइंग के ऊपर एंड डिपॉजिटिंग के ऊपर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. इन जनरल व्हेन द सेंट्रल बैंक राइजेज इट्स पॉलिसी रेट, द कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट एंड बॉरोइंग रेट्स विल राइज एज वेल. When the central bank lowers its policy rate, commercial banks also lower their deposits and borrowing rates. Whereas in general, जब central bank rise करता है अपने इसके policy rates को, तो commercial banks जो होते हैं deposit और borrowing rates को भी वो increase कर देते हैं, और जब central bank जो है low करता है policy rate को, तो इसी तरह से commercial banks जो होते हैं वो low कर देते हैं deposits और borrowing rates को. However, ताहम commercial banks may not adjust their deposit and borrowing rates at the same amount of the policy change rate change. Viewers, जो commercial banks होते हैं वो उसी same amount से, जिस amount के साथ जो है, जिस percentage के साथ जो है policy rate change हो रहा है, maybe कि उस rate के साथ वो ना change करें. This is because interest rate for the commercial banks are determined by several factors including loan demand, deposit quantity, inflation and operational costs. इसकी वजहें ये हो सकती हैं कि वी आर जो सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूडिंग लोन की डिमांड के ऊपर देखते हैं, कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट क्वांटिटी को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स को देखते हैं. सो वी आर, ये था इंपैक्ट जो पॉलिसी रेट का बॉरोइंग और डिपॉजिटिंग के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर सेंट्रल बैंक जो है पॉलिसी रेट को इंक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक्स अपने जो डिपॉजिट और बॉरोइंग के ऊपर रेट को इंक्रीज करेंगे, और ऑन दी अदर हैंड अगर सेंट्रल बैंक जो डिक्रीज करता है पॉलिसी रेट्स को, तो कमर्शियल बैंक्स भी जो है अपनी बॉरोइंग और जो है लैंडिंग्स के ऊपर उसमें जो पॉलिसी रेट को, जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है कमर्शियल बैंक्स में, उसको डिक्रीज करेंगे, लेकिन उसकी अमाउंट जो है सेम नहीं होती, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग लोन डिमांड, डिपॉजिट क्वांटिटी, इन्फ्लेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स एज वेल. अब हम देखते हैं व्यूअर्स के व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ए चेंज इन द पॉलिसी रेट ऑन अस एंड द इकॉनमी. कि जो ये पॉलिसी रेट जो चेंज होता है, और इसका हम इम्पैक्ट देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान पर, एक आम सिटीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और ओवरऑल जो है इकॉनमी पे इसका क्या इफेक्ट है. व्यूअर्स, एक सिटीजन जो है उसके ऊपर इस पे इसका क्या इफेक्ट आता है, लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, और ओवरऑल इकॉनमी के इस पर क्या इफेक्ट आता है पॉलिसी रेट का, ये हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, अ चेंज इन द पॉलिसी रेट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स परचेजिंग डिसीजंस. द चेंज इन स्पेंडिंग affects the overall prices of goods and services known as inflation. Viewers, change जो policy rate होता है, इसका जो impact होता है people's के ऊपर,
उनकी परचेजिंग डिसीजंस के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जाता है, और चेंज इन स्पेंडिंग अफेक्ट्स दी ओवरऑल, तो चेंज होता है इस और स्पेंडिंग के ऊपर ओवरऑल जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, जो नॉर्मली जो है इन्फ्लेशन कहलाती हैं। सेकंड हमारे पास आता है द इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन द पॉलिसी रेट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर बॉरोअर्स और डिपॉजिटर्स। तो इम्पैक्ट जो होता है व्यूअर्स पॉलिसी रेट का वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वेदर वी आर बॉरोअर्स और डिपॉजिटर्स, कि हम जो है बोरो कर रहे हैं अमाउंट लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं कैश को, तो इट वेरीज सिचुएशन के हिसाब से। व्हेन द पॉलिसी रेट इज रिड्यूस्ड द बॉरोअर्स मस्ट पे लोअर इंटरेस्ट फॉर देयर लोन्स। अगर जो पॉलिसी रेट रिड्यूस होता है तो बॉरोअर्स जो होते हैं लो पे करते हैं इंटरेस्ट फॉर देयर लोन्स, एंड द डिपॉजिटर्स विल रिसीव लेस इंटरेस्ट फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स। थस एज द पॉलिसी रेट फॉल्स वी आर मोर लाइकली टू बोरो ड्यू टू चीपर बोरोइंग कॉस्ट एंड वी टेंड टू सेव लेस एंड स्पेंड और इन्वेस्ट मोर पीयर्स। और जब पॉलिसी रेट फॉल करता है, पॉलिसी रेट डिक्रीज करता है, तो वी आर मोर लाइकली टू बोरो ड्यू टू चीपर बोरोइंग रेट्स होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, तो बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और इसमें जो है सेविंग लेस हो जाती हैं और स्पेंड या इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाती है। द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बूस्ट अवर वेल्थ इफ वी ऑन एसेट्स। और रिड्यूस्ड जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेल्थ को जो इंक्रीज करता है, लाइक अगर आपके पास जो है एसेट्स होते हैं सच एज स्टॉक्स और रियल स्टेट, सिंस एज अ लो डिपॉजिट रेट इंकरेजेस कंज्यूमर्स टू इन्वेस्ट इन अ हायर यील्डिंग एसेट्स such as stocks and real estate. The value of these assets then rises as a result. Holders of these assets become wealthier and more willing to spend. So viewers, जो reduce interest rates होता है वो wealth को भी increase करता है, depend करता है कि stocks या real estate जो है वो own कर रहे हों आप, और इसी के साथ साथ, और low deposit rate encourage करता है consumers को to invest in high yielding assets such as stocks and real estate as well. Next तो इसका impact है पॉलिसी रेट का ऑन अस पीपल्स के ऊपर, कॉमन लेमेंस के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, डिक्रीज इन द पॉलिसी रेट इनकरेजेस पीपल टू स्पेंड मनी, एन इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट ऑन द अदर हैंड डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम स्पेंडिंग। दीज परचेजिंग डिसीजंस विल इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्यूअर्स, इन कंक्लूजन, अ डिक्रीज इन द पॉलिसी रेट इनकरेजेस पीपल टू स्पेंड मनी। अगर पॉलिसी रेट में डिक्रीज आता है तो वो इनकरेज करता है पीपल्स को, कॉमन लोगों को, स्पेंड मनी करें, इंक्रीज करते हैं वो अपनी स्पेंडिंग्स में। एंड इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट ऑन द अदर हैंड डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम स्पेंडिंग। और ऑन द अदर हैंड अगर जो है इंक्रीज होता है पॉलिसी रेट, तो वो डिस्करेज करता है लोगों को कि वो स्पेंड करें मनी। दीज परचेजिंग डिसीजंस विल इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो ये जो परचेजिंग डिसीजंस होते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट, इफ वी वांट द इन्फ्लेशन रेट टू स्टे विद इन द टारगेट रेंज, वी मस्ट फोरकास्ट हाउ मच मनी पीपल विल स्पेंड एंड डिटरमाइन वेदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एट और बिलो कैपेसिटी, देन द एप्रोप्रिएट पॉलिसी रेट कुड बी डिटरमाइंड। When people underspend, the price of goods and services rises too slowly or falls, leading the economy to contract and employment to decline. The boost expenditure and re-expand the economy. The central bank should cut the policy rate in this situation. When people overspend, the price of goods and services rises rapidly, leading the economy to grow too quickly and overheat. This leads to many problems, including hyperinflation, which devalues money, and bubbles crisis, in which asset prices fall abruptly. In this circumstances, the central bank should raise the policy rate to keep expenditure under control and prevent the economy from overheating. Viewers, as a result, jo hota hai inflation rate to stay within the targeted range, we must forecast how much money people will spend and determine whether manufacturing goods and services will be at or below capacity, then the appropriate policy rate could be determined. और उसके साथ साथ जो है अगर inflation rate stay within the targeted range में होगा तो forecast करना होगा कि how much money people will spend and determine whether manufacturing goods and services will be at or below the capacity. देन उसके साथ साथ जो पीपल होते हैं अगर अंडरस्पेंड करते हैं तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस टू स्लोली, जब वो अंडरस्पेंड करेंगे तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वो स्लोली जो है वो राइज करेंगी, लीडिंग द इकॉनमी टू कंट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिक्लाइन। और इसके साथ साथ वो लीड करेंगे इकॉनमी को टू कंट्रैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिक्लाइन। द बूस्ट एक्सपेंडिचर्स एंड री एक्सपेंड द इकॉनमी, द सेंट्रल बैंक शुड कट द पॉलिसी रेट्स। अगर
इसमें सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इकॉनमी को जो है बूस्ट करे और एक्सपेंडिचर को जो है बूस्ट करे, री एक्सपेंड करे इकॉनमी को, तो सेंट्रल बैंक शुड कट द पॉलिसी रेट इन दिस सिचुएशन व्हेन पीपल ओवर स्पेंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज रैपिडली। और जब पीपल ओवर स्पेंड करते हैं तो प्राइसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती हैं वो इंक्रीज करती हैं रैपिडली, तेजी के साथ, लीडिंग द इकॉनमी टू ग्रो टू द क्विकली एंड ओवर हीट। और इकॉनमी जो है ग्रो करती है क्विकली, दिस लीड्स मेनी प्रॉब्लम्स, इवन के इसके साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपर इन्फ्लेशन आता है, डिवैल्यूज मनी की डिवैल्यूएशन होती है, उसके साथ साथ बबल क्राइसिस आता है, एसेट प्राइसिस फॉल अब्रप्टली, एसेट्स की प्राइसिस गिरती हैं। और इन सर्कमस्टांसिस में सेंट्रल बैंक शुड राइज द पॉलिसी रेट टू कीप एक्सपेंडिचर अंडर कंट्रोल एंड प्रिवेंट द इकॉनमी फ्रॉम ओवर हीटिंग एज वेल। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कंप्लीट जो थरोली इसके ऊपर एक डिस्कशन हमने की हुई है इसी चैनल के ऊपर, लेक्चर मौजूद है व्यूज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स क्या हैं, किस वक्त गवर्नमेंट जो है कौन सी पॉलिसी को डिस्कस करती है, एक्सपेंशनरी और कंट्रक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, किन इन पॉलिसी को कब यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आपने सर्च करनी है, चैनल पर विजिट करना है। और मॉनेटरी पॉलिसी की वो तमाम कंप्लीट जो थरोली मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया गया है उस वीडियो में आपने वो देखनी है व्यूज। अभी मैं शॉर्टली आपको मॉनेटरी पॉलिसी की टर्म यूज हुई थी लेक्चर में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शंस टू कंट्रोल द नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉमनली क्लासिफाइड एज आइदर एक्सपेंशनरी और कंट्रक्शनरी। मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ एक्शंस है टू कंट्रोल नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। के मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से एक सेट ऑफ एक्शंस होते हैं कि कंट्रोल करना ओवरऑल मनी सप्लाई और अचीव करना इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री में। मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजीज में इंक्लूड करता है रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, चेंजिंग द बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है और रिवाइज करना इंटरेस्ट रेट्स को। मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉमनली क्लासिफाइड एज आइदर, इसकी क्लासिफिकेशन जो है दो किस्म की है व्यूअर्स, एक्सपेंशनरी और कंट्रक्शनरी जो है इसकी जो है टाइप्स है। सो व्यूअर्स, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आपने विजिट करना है चैनल को और वो लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर देखना है ताकि इसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो सके। सो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और होप्स हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है पॉलिसी रेट को लेकर अच्छी हो चुकी होंगी। और फाइनेंस पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया, तमाम एस्पेक्ट्स के इसके इंपैक्ट्स को देखा। व्यूअर्स, होप्स हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर अच्छी हो गई होंगी। वीडियो को वाइंड अप करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।